श्री शिवाय मस्तुभ्याम हर हर महादेव। कैसे हो दोस्तों? दोस्तों आज हम आपके लिए पौष शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि का एक विशेष उपाय लेकर आए हैं जो कि दिन शनिवार को आ रही है। हम आपको बता दें कि इस दिन श्रावण नक्षत्र में वज्र योग के साथ साथ सिद्धि योग रहेगा जो इस दिन को बहुत ज़्यादा विशेष बना रहा है। तो आपने इस दिवस पर एक विशेष उपाय अवश्य कर लेना है। हमारे चैनल पर रोज ही 3 से 4 उपाय डालते हैं, आप अपनी समस्या है तो एक विशेष उपाय इस दिन अवश्य कर लीजिएगा। तो आइए इस उपाय को समझते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जो आपके लिए उपाय लेकर आए हैं यह विशेषकर रोग मुक्ति का उपाय है। यदि आपके जीवन में बहुत लंबे समय कोई बीमारी चल रही हो, कोई भारी बीमारी चल रही है, या आपके परिवार का कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है, दवाइयाँ उस पर असर नहीं करते, तो रोग मुक्ति के लिए इस उपाय को अवश्य कर लीजिएगा। प्रदीप कुमार मिश्रा जी इस उपाय को बताते हुए कहते हैं कि जो भी इंसान कुछ शनिवार तक इस उपाय को लगातार करता है उसके घर से रोग हमेशा के लिए दूर हो जाता है। तो आइए इस उपाय को समझ लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें हमारे चैनल पर प्रदीप मिश्रा जी के उपाय बताए जाते हैं जिनको हम एक एनिमेशन वीडियो तैयार करके आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे किस प्रकार से आपने इस उपाय को करना है ताकि किए गए उपाय का आपको 100% फल मिल सके। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिनको इस वीडियो की जरूरत हो वहाँ तक जरूर शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनके भी जीवन की समस्याओं का समाधान हो सके और आपकी भी। तो आइए बिना किसी देरी के इस उपाय को समझ लेते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको जरूरत होगी 1 चुटकी काले तिल की, इसके साथ ही आपको लेना 1 शमी पत्थर और साथ में आपको ज़रूरत होगी 1 तांबे के लोटे के जल की। जल आपने घर से भर के लेके जाना है, यदि तांबे का लोटा ले लो तो सबसे उत्तम। केवल इन सामग्री से आपने इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपने पहुँच जाना है शिवालय, वहाँ पर आपने महादेव के समक्ष इस काले तिल को आपने श्री शिवाय मस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपने इन काले तिल को इस लोटे के भीतर में ही डाल लेना है। उसके बाद आपके पास जो यह शमी का पत्ता होगा आपने दाएं हाथ में इसको रख लेना है। आपने महादेव से अपने जीवन की समस्या नाम और गोत्र लेकर कहनी है और यहाँ पर आपको कौशनिश्चरेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है या फिर आप अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। आपने अपने जीवन की समस्या नाम और गोत्र लेकर कह देनी है। उसके बाद आपने यह शमी पत्र महादेव पर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो 1 लोटा जल आपके पास है आपने महादेव पर धीरे धीरे समर्पित करना है, किंतु समर्पित कुछ इस प्रकार से करना है कि इस शमी पत्र के ऊपर ही करना है। जब आपने जल समर्पित करना है, धीरे धीरे जल समर्पित करना है और जल समर्पित करते हुए आपने फिर से अवधूतेश्वर महादेव या फिर शनिश्चरेश्वर महादेव से अपने जीवन की समस्या नाम और गोत्र लेकर कह देनी है। यदि स्वयं के लिए कर रहे हो अपना नाम और गोत्र और बीमारी का नाम लेते या फिर किसी और के लिए कर रहे हो तो उसका नाम और गोत्र और उसके रोग के बारे में कह देना है। किंतु याद रहे आपने कम से कम भी 5 शनिवार इस उपाय को लगातार जरूर करना है और जल्दी ही आपके जीवन के हर तरह के रोग दूर हो जाएंगे। जानकारी अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और शीर्ष वायन मस्तुभ्याम लिखना नहीं भूलेगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए सुंदर सुंदर वीडियोज बनाने के लिए। शीर्ष वायन मस्तुभ्याम हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में।